क्या निर्णय लिया आपने लॉकडाउन को लेकर, और कैसी परिस्थिति में क्या-क्या होना चाहिए इसमें? आज औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते और हमारे साथ जो 72 संलग्न संगठना है, ये सबके अध्यक्ष, सेक्रेटरी और हमारी पूरी बॉडी, इनकी आज एक जूम पर मीटिंग हुई सवेरे 11 बजे। और इस मीटिंग को लेके ये तय किया गया कि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जो कल रात में हमारी बातचीत हुई थी या उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी हमने जो मुद्दे रखे थे वो सबके कहना यही आया सारांश, और आज हमने भी उसी तरह का तय किया है कि अगर सचमुच इतने बड़े पैमाने में मरीज बढ़ रहे होंगे कोरोना के, तो लॉकडाउन करना है तो ये स्ट्रिक्ट और एकदम कड़क लॉकडाउन होना चाहिए, जो सरकार मुख्यमंत्री महोदय तय करेंगे आने वाले 8-10 दिनों के लिए। तो वो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहना चाहिए, जिसमें जीवनावश्यक वस्तु के बारे में ये कभी कभी बोलते हैं, तो अभी काफी पैमाने में किराना भी मिल रहा है, सब्जी पाला भी है, और बहुत बार तो आज अपन देखते हैं, आज औरंगाबाद वाले पानी, एक दिन में पानी आता है वो 5-5 दिन बाद या 8-8 दिन बाद पानी अपन वापस दे, पानी भी इतना जिंदगी में अहम रखता है। तो भाजीपाला भी 2-5 दिन में एक बार खरीद लिए तो भी चल सकता है, और उस तरह से एकदम कड़क लॉकडाउन होना चाहिए। तो व्यापारी महासंघ ने ये तय किया है, कड़क लॉकडाउन करेंगे तो हम मुख्यमंत्री महोदय सरकार के साथ में रहेंगे, तो सभी दुकानें या सभी प्रतिष्ठानें बंद रह के अपन कोरोना को भगा पाएंगे। नहीं तो ये चालू वो चालू, ऑनलाइन चालू, ऑनलाइन की तो सबसे बड़ी ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये लोग जो है, तो इतने बड़े पैमाने में हम व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, और उनका पूरा उन पूरे शहर में ऑनलाइन ऑनलाइन का पूरा माल इधर से उधर जा रहा है, आ रहा है, हमारा धंधा भी मार खा रहा है, और ऑनलाइन के तहत ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां मजे कर रही है, तो इसलिए वो भी पूरा बंद होना चाहिए। इस तरह का आज हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है। नहीं तो फिर अगर ये कुछ ऑनलाइन चालू रहा, वो चालू, ये चालू, इस तरह का हुआ, तो फिर हमारे जिला व्यापारी महासंघ के सभी सदस्य कार्यकारिणी ने तय किया है, तो फिर सोमवार से हम भी हमारे पूरे दुकानें खोल देंगे। आज हमारे रात में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स से क्या निर्णय आता है, उसी तहत लगभग अभी तक तो इस तरह का तय हो गया है। इसमें इंडस्ट्री का अहम मसला बताते हैं ये, उसको लेकर भी कुछ निर्णय है? इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कामगार लोग हैं, उसी तरह हम व्यापारियों के दुकानों में भी काम करने वाले कामगार हैं। आज औरंगाबाद शहर में 30-35 हजार दुकानें हैं, इस दुकानों में करीब करीब 3-4 लोग अगर एवरेज लगाए काम करने वाले लोग, तो हमारे पास भी करीब करीब 1 लाख से ऊपर कामगार लोग काम करते हैं हमारे दुकानों में। तो वो भी कामगार है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे बाल बच्चे, उनको पढ़ना है, खाना पीना है, सब करना है, तो उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो फिर हम तो गवर्नमेंट को बोल रही है, आप बोलते उतने दिन लॉकडाउन लगा दो, कोई अड़चन नहीं है, सिर्फ हमारे सब व्यापारियों को जो है, तो उनके परिवार को, उनके पास काम करने वालों के परिवारों को आप कुछ पैकेज दे दीजिए तो भी चलेगा, हम रखते हैं दुकानें बंद, कोई अड़चन नहीं है। एक ठोस निर्णय ऐसा लिया गया आपने कि भाई टोटल लॉकडाउन के लिए सब बंद होना चाहिए। यस।